ये देखिए हमारा देसी फ्राई चिकन बहुत ज्यादा क्रिस्पी ही नहीं अंदर से भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए हम इसे बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी देसी फ्राई चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों से शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी फ्राई चिकन। उसके लिए मैंने ये लगभग आधा किलो चिकन लिया है, जिसके ये बड़े बड़े पीसेस कुछ इस तरीके से मैंने कटवा लिए हैं। उसके बाद ये है अदरक और लहसुन पेस्ट, ये दही, नमक, मैदा, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, नींबू का रस, कॉर्नफ्लोर, एक अंडा और ये धनिया और जीरा पाउडर। तो दोस्तों हमें ये चिकन के पीसेस अच्छे तरीके से धो लेने चाहिए। उसके बाद हमें ऐसे इसके बीच में चिकन के पीसेस के बीच में हमें डैशेस लगा लेने चाहिए, डैशेस या आप बोल सकते हैं कट्स मार लेने चाहिए, ताकि चिकन जो हम मैरिनेट करने वाले हैं उसका सारा मसाला इस चिकन के अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल जाए और चिकन को ये मैरिनेशन के मसाले का टेस्ट आ जाए। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, अभी एक नेक्स्ट प्रोसेस चालू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये नींबू का रस, एक नींबू का रस, अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके बाद एक टेबलस्पून नमक। अब हमें इस चिकन को अच्छे से मसाज कर देना चाहिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट और नींबू के रस से चिकन का स्मेल जो होता है वो निकल जाता है। कुछ इस तरीके से जो कट्स हमने दिए हैं उस कट्स में हमें ये सब मिला लेना चाहिए। तो अच्छे से मसाज चिकन को करने के बाद अब हम इस चिकन को 15 से 30 मिनट्स तक मैरिनेट होने के लिए ढक के रखेंगे। तो दोस्तों लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो हमारा मैरिनेशन का नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें लगेंगे काफ़ी सारा लाल मिर्च, उसके बाद ये धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लगभग 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद हमारा कॉर्न स्टार्च जो कि हम 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। उसके बाद हम मैदा ले रहे हैं, मैदे की क्वांटिटी कॉर्न स्टार्च से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने मैदा लगभग 2 टेबलस्पून लिया है क्योंकि मैंने कॉर्न स्टार्च 1 टेबलस्पून लिया था, उससे चिकन में जो मॉइस्चराइजर होता है वो निकल जाता है, जो चिकन क्रिस्पी चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लगभग 1.5 टेबलस्पून दही लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी, क्योंकि जिस किसी को भी तीखा पसंद ना हो वो काली मिर्च ऐड ना करे क्योंकि काली मिर्च से तीखापन आ जाता है। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अब ये सारे मसाले, कॉर्न स्टार्च, मैदा, लाल मिर्च, गरम मसाला, इसको अच्छे से हमारे चिकन पे हम मसाज करेंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्राई चिकन में कलर चाहिए तो आप इसमें मार्केट में जो फूड कलर अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप पूछोगे सरोचि आपने रेड कलर के लिए इसमें क्या ऐड किया है, तो मैंने फूड कलर तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है जिससे कि हमारा यह जो क्रिस्पी फ्राई चिकन है उसमें रेड कलर आ जाएगा। जितना हम अच्छे से चिकन को मसाज करेंगे तो ये चिकन में जो मसाले का टेस्ट है वो चिकन में आ जाएगा। कॉर्न स्टार्च और मैदे की वजह से चिकन का जो सारा मॉइस्चराइजर है वो निकल जाता है। तो दही भी इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिए कि दही में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी दही में ज़्यादा होगा तो ये जो थिकनेस है ना ये थिकनेस हमें नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चिकन मैरिनेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब इस चिकन को हमें लगभग 30 से लेकर 60 मिनट्स तक के लिए ढक के रख देना है। तो आप उतना तो वेट कर ही सकते हैं अगर आपको क्रिस्पी और फ्राई चिकन का मजा लेना है। तो दोस्तों मेरे साथ आप भी वेट कीजिए। तो लगभग 15 मिनट्स हो चुके हैं, बचे हुए 15 मिनट्स में हम तेल गरम करते हैं क्योंकि चिकन फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल की ज़रूरत है। अभी हम देख लेते हैं हमारा चिकन, वाव इसमें एक रेड कलर आ चुका है बिना फूड कलर इस्तेमाल किए हुए, आप देख सकते हैं।
मीनवाइल हमारा तेल भी गरम हो चुका है। तो अगर तेल गरम है या नहीं ये चेक करने का एक आसान तरीका है, इसमें से थोड़ा सा ये मिक्स लेकर आप इस तरीके से अंदर डाल देख लीजिए, इसका मतलब है हमारा तेल रेडी है। तो अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। चिकन के पीसेस ऐड करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से ऐड करना है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर का कोटिंग बहुत जल्दी पक जाता है बट अंदर से चिकन क्रिस्पी होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम पीसेस को टर्न अराउंड करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें चिकन को टर्न मारना है। अभी जो चिकन है हमें सिर्फ ऊपर से नहीं पकाना है, हमें अंदर से भी पकाना है। इसके लिए मिनिमम 10 मिनट्स लगते हैं अगर आपको क्रिस्पी चिकन खाना है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी चिकन में से आ रही है जैसे जैसे चिकन पक रहा है। हम एक और बार चिकन को टर्न मार लेते हैं। देखिए चिकन का जो ये स्किन है वो छूटने लगा है, मतलब हमारा चिकन अंदर से भी पकना शुरू हो चुका है और बिना फूड कलर यूज़ किए हुए। अब हमारा थर्ड और लास्ट प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब फ्राई चिकन रेडी हो चुका है, ये लास्ट प्रोसेस है। इसमें एक बहुत अच्छा सुनहरा रेड कलर भी आ चुका है। अगर आपको कोई नई रेसिपी मेरे चैनल पे देखनी हो तो आप मैसेज कर दीजिए कि आपको कौन सी रेसिपी पसंद है, वो हम दिखाएंगे। अगर आपको मेरी देसी फ्राई चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों से शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए दिन। चलिए तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।